हाय दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ के लिए कोई भी टिप्स नहीं देने वाला हूं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दोस्ती के लिए एक ऐसा टिप्स देने वाला हूं, जिसको अगर आप आज से फॉलो करना शुरू कर दें तब मरते दम तक आपकी दोस्ती कभी भी नहीं टूटेगी। और जब आपका अच्छा दोस्ती होगा तब आप उसके साथ ज़्यादा घूमेंगे फिरेंगे, आपका दिल और दिमाग अच्छा रहेगा और इससे आपका हेल्थ भी अच्छा बना रहेगा। तो टिप्स नंबर वन, दोस्ती में कभी भी पैसा का लेन देन ना करें। पैसा एक बहुत ही ख़राब चीज़ है। 100 में से 80% रिश्ता सिर्फ पैसा के लिए ही टूट जाता है। आपका जितना भी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, आप उसके साथ कभी भी पैसा का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपका दोस्त का कोई शोरूम है, आपका दोस्त कोई कार सेल करता है, कोई मोबाइल सेल करता है, आप उससे कभी कार मोबाइल ये सब चीज़ कभी ना ले, डिस्काउंट के चक्कर में ना जाए। ऐसा करने से आपको अभी तो फायदा जरूर होगा, लेकिन आगे जाके आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और आपका दोस्ती भी टूट सकता है। दूसरा टिप्स, अपने दोस्ती में कभी भी दो लोगों के बीच में तीसरे को शामिल ना करें। मैं और आप दोस्त हैं बस, तीसरे आदमी को ना लाए। अक्सर बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं कि दो बेस्ट फ्रेंड है, वो लोग भूल से गर्लफ्रेंड को ले आते हैं। गर्लफ्रेंड जिंदगी में आते ही दोस्ती खराब हो जाता है। या मान लीजिए दो लड़की है जो आपस में दोस्त है, बॉयफ्रेंड के आते ही दोस्ती खराब हो जाता है। तो जब भी कोई रिश्ता आपको लंबे समय तक बनाना है ना, आपस में रिश्ता बनाइए, तीसरे आदमी को बीच में मत लाइए। और तीसरा टिप्स, दोस्ती करने से पहले आप सोच लीजिए कि आपको इसके साथ दोस्ती करना है या नहीं करना है। और जो आपका दोस्त है वो आपको कभी गुस्सा में अगर गाली गुप्ता दे भी देता है, यहाँ तक कि आपके ऊपर हाथ भी उठा देता है, तो उसको आपको अपने दिल पे नहीं लेना चाहिए। सच्चा दोस्त वही होता है जो आपका हेल्प करने से पहले आपको 100 बार गाली देता है। कहने का मतलब यही है कि चाहे दोस्ती हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, इसके अंदर माफ़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम लोग बचपन से कितना बार गलती करते हैं, हमारे माता पिता हम लोग को आज तक माफ़ करते आए हैं ना, इसीलिए माँ बाप का दर्जा सबसे ऊपर दिया जाता है। दोस्तों, ईगो एक बहुत ही गंदा शब्द है, ये आपकी रिश्ता को पूरा बर्बाद करके रख सकता है। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ, आज तक जितना भी झगड़ा होता है, जितना भी रिश्ता टूटता है, उसके पीछे सिर्फ 3 कारण होता है, जड़, जमीन और जोरू। जड़ का मतलब होता है ईगो, सेल्फ रिस्पेक्ट। आमतौर पर ऐसा आप लोगों के साथ होता है ना, आप लोग दो दोस्त एक ही ऑफिस में काम करना शुरू किए थे, आज आप कहाँ चले गए, आपका दोस्त कहाँ चला गया। जिस दोस्त का उन्नति नहीं होता है, उस सामने वाला का उन्नति देख के जलता है, आस्ते आस्ते मन में नेगेटिविटी पैदा होने लगता है। तो मेरा टिप्स यही रहेगा कि अगर आप लोग बेस्ट फ्रेंड है तो आप लोग कभी भी सेम ऑफिस में काम ना करें। आप अलग जगह काम करें, आपका दोस्त अलग जगह काम करे, इससे दोस्ती बना रहेगा। दूसरा टिप्स, गर्लफ्रेंड और वाइफ के चक्कर में भाई भाई अलग हो जाता है, 12 साल 15 साल पुराना दोस्ती खत्म हो जाता है। ये बहुत ही डेंजर चीज़ है, अपने दोस्ती में कभी भी गर्लफ्रेंड और वाइफ को ना लाए। तीसरा चीज़, प्रॉपर्टी को लेके तो आज सारा दुनिया बर्बाद है। पहले के टाइम पे जॉइंट फैमिली हुआ करता था। अगर आज आप किसी के भी घर में जाएंगे तो आप देखेंगे सब भाई अलग हो जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि प्रॉपर्टी को लेके सबके मन में थोड़ा बहुत नेगेटिविटी आ जाता है। उसको बड़ा कमरा मिला है, मेरे को छोटा कमरा मिला है, या वो हमसे ज़्यादा कमाता है, हम उससे कम कमाते हैं। दोस्तों, पैसा एक बहुत ही फालतू चीज़ है, बहुत ही गंदा चीज़ है। किसी भी रिश्ता को ख़राब अगर करना हो, दो बेस्ट फ्रेंड को अगर आपको दुश्मनी पैदा कराना हो, दोनों को सेम धंधा पे बैठा दीजिए, 10 साल बाद आप देखिएगा दोनों एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करेगा। पैसा बहुत ही घटिया चीज़ है दोस्तों, इसको कभी भी अपने रिश्ता में ना लाए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इसको फेसबुक में, व्हाट्सएप में अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने माँ भाई के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।